साईं बाबा का स्मरण करने से अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। जो साईं नाम की माला जपता है, बाबा उसका निश्चय ही बेड़ा पार करते हैं। आनंद का स्रोत हैं श्री साईं बाबा। बाबा के भक्त उनको विघ्नहर्ता मानते हैं, जो अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। बाबा के दो मूल मंत्र श्रद्धा सबूरी को जिसने दिल से बसा लिया, उसका मन फिर जीवन की विपरीत परिस्थितियों में कभी नहीं डगमगाता। साई लीला टीवी चैनल के माध्यम से लखनऊ के रहने वाले राजेश अरोड़ा जी ने हमें बताया कि श्री साई उनके रोम रोम में बसे हैं। शिरडी जाकर अरोड़ा जी को उस अनुभूति और शांति का एहसास होता है, जो जग में कहीं और शायद संभव नहीं है। तो आइए सुनते हैं उनके अनुभवों को। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मैं राजेश अरोड़ा, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा प्रथम बार बाबा का के दरबार में 2008 में उनके जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मित्र लोग वहाँ शिव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उसमें से एक हमारे मित्र उसमें नहीं जा, उनके कारण मुझे कहा, मित्रों ने कहा कि आप चल के चलिए बाबा के यहाँ दर्शन करने चलिए। मैं प्रथम बार वहाँ गया और ऐसा अनुभव किया वहाँ जाने के पश्चात कि वाकई कहीं मैं अपने घर पे आया हूँ। तब से मैं निरंतर हर 2 माह या 3 माह में बाबा के दरबार में जाया करता हूँ। बाबा के वहाँ जाने से जो वहाँ सुख शांति जो मुझे वहाँ मिलती है, वो जो अनुभव वहाँ होता है, ऐसा कहीं मुझे प्राप्त नहीं होता। हर समय ये एक इच्छा रहती है कि किस तरीके से कैसे हो मैं शिरडी जल्दी से वहाँ जाके बाबा के दरबार के दर्शन करके। इसके बाद कई ऐसे मौके मिले जब जीवन में कई परेशानियों में मैं रहा, उसमें बाबा को याद करने के बाद मुझे उन परेशानियों से एकदम मुक्ति मिली और मुझको ये एहसास भी नहीं हो पाया कि ये परेशानी वाकई मेरे जीवन में आने वाली थी, कि मुझको इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त रहा। बाबा के प्रति अगर सच्ची भाव से, श्रद्धा से, अगर आप विश्वास से उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो ये निश्चित मेरा तो ज़रूर मानना है कि बाबा हर उस बात को अपने भक्त की सुनते ज़रूर हैं और उसको उस जो जिसका भाव जिस भाव का वो होता है उस भाव का उसको उसको कुछ ना कुछ देते ज़रूर हैं। बाबा का हमेशा ये दयालु रहें। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।